नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बताया था मैंने जैसे कि पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे, किसके लिए? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए और उसके साथ ही एरर फाइंडिंग के लिए। एरर फाइंडिंग और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करने के लिए हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। हर टेंस के चार रूप हैं, इंडेफिनेट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से। तो देखें, उसको देखते हैं हम। चार्ट मैंने जैसा कि पहले बताया था उसी तरह का चार्ट हमें बना लेना है। यहाँ पर टेंस, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और फिर है टाइम एडवर्बियल्स। टाइम एडवर्बियल्स, ये तीन चीज का हमें चार्ट बनाना है और इसको अच्छे से याद करना है। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट टेंस का पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म सकारात्मक वाक्यों में अथवा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में। लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं वो हमें ये बताएंगे टाइम एडवर्बियल्स। देखिए, यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, बिफोर, इसके साथ कोई भी टाइम हो, बिफोर प्लस टाइम, एगो, एगो के पहले टाइम आता है जनरली एगो, लास्ट, प्रीवियस, बड़ा मैटर बन रहा है, चार्ट बनने में दिक्कत होगी, लास्ट और प्रीवियस, इन सब के साथ में भी कोई टाइम, लास्ट प्रीवियस। यदि ऐसा कोई भी समय लिखा होता है लास्ट के साथ, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, प्रीवियस मंडे, प्रीवियस प्रीवियस ईयर, इस तरह से कोई भी टाइम एडवर्बियल यदि इनमें से आता है तो वो सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होते हैं और उनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यदि सकारात्मक है तो नकारात्मक है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये लें, ये बन गया, ये याद करना है आपको। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें भरना होता है आपको वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। ये सभी जो लिखे हुए हैं इसको आप पास्ट टाइम भी कह सकते हैं। ये सब शब्द ऐसे हैं जो पास्ट का बोध कराते हैं, भूतकाल का। तो यदि किसी वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, इन दोज डेज आदि शब्द आए, या फिर एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दिस टाइम, एट द मोमेंट, इन दीज डेज,
नाउ ए डेज, आदि सभी के पहले या बाद में, आदि सभी के पहले या बाद में, जनरली बाद में आता है, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम लिखा हुआ है इनके साथ में, चाहे पहले लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है। यदि इन सब के साथ पास्ट टाइम हो या फिर ये इनमें से कोई शब्द हो, ये किसी वाक्य में आते हैं, तो वो वाक्य होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और वहाँ भरा जाएगा हमेशा वाज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें भरा जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भरा जाएगा। और कब भरा जाएगा? जिन वाक्यों में जनरली देखिए पास्ट जो इंडेफिनेट टेंस होता है वही भूतकाल को बताता है। अब इसमें और इसमें हम अंतर ऐसे नहीं कर सकते, जैसे एक वाक्य यहाँ लिख के मैं बताता हूँ, ही वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर, वो पिछले साल जयपुर गया। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वो कल जयपुर गया। दोनों ही भूतकाल के हैं। भूतकाल में ऐसी कोई लिमिट आपको नहीं मिलेगी जिससे हमें इस बात का पता चले कि यस्टरडे वाले में पास्ट इंडेफिनेट का यूज करो, लास्ट ईयर वाले में आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। भूतकाल में ऐसी कोई टाइम लिमिट आपको नहीं मिलेगी। किन्हीं समानांतर या एक साथ घटित होने वाली दो या दो से अधिक घटनाओं में जो पहले घटित होगी वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, और जो बाद में घटित होगी, मैं शायद गलत बता गया, जो पहले घटित होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद में जो घटित होगी वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाई जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास उन घटनाओं में तुलना करने के लिए दो टाइम एडवर्बियल हैं। वो टाइम एडवर्बियल हैं हमारे बिफोर एंड आफ्टर। यदि दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हैं तो बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद, याद रखने की बात है, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद, यही अर्थ है इन दोनों का, हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यही दोनों टाइम एडवर्बियल इसके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में आते ही हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यदि दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हों तो बिफोर के तो पहले और आफ्टर के बाद, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अभी लिख करके मैं आपको वाक्य भी बता देता हूं। पहले चौथा टेंस देख लें। चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ये चार परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे पास हैं। चारों में हैज, हैव, हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, और टाइम एडवर्बियल भी हमारे यही हैं, सिंस या फॉर। तो फिर ये अंतर कैसे करेंगे? ये अंतर करेंगे सिंस फॉर के साथ, यदि पास्ट टाइम आता है, सिंस फॉर के साथ केवल टाइम आएगा तो आपको हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी केवल यदि टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि उसके साथ पास्ट टाइम होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यदि फ्यूचर टाइम होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से ये हमारा पास्ट टेंस हुआ। इसमें
किस तरह से हम क्रिया के सही रूप का प्रयोग भरते हैं, ये तो क्रिया के सही रूप है जो हमें भरने हैं, और ये हमारे टाइम एडवर्बियल्स हैं जिनकी सहायता से हमें क्रिया के सही रूप का प्रयोग भरना है। जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं उनमें इन इन क्रियाओं का प्रयोग करना है, इसलिए ये चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्रिया का रूप याद करते जाइए, अभ्यास करते जाइए। अब इसके कुछ वाक्य हम देखते हैं। ये चार्ट आपको अच्छे से उतारना है, नहीं उतार पाए तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके आप देख करके उतारेंगे चार्ट को। चार्ट हमेशा आपको याद रखना है कंप्लीट, पहले बता चुका हूं मैं ये बात। चार्ट आपके सामने रहेगा तो वर्ब भरने में बहुत आसानी रहेगी आपको, शुरू में अभ्यास के लिए, और जब याद हो जाएगा तब तो बात ही क्या है, फिर हमेशा आप लोग भरते रहेंगे, अभ्यास करते करते आप लोगों का नॉलेज सुदृढ़ हो जाएगा। अब देखें वाक्य, जैसे